नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वशीकरण के इस YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी जिंदगी में हैं परेशान, अगर आपको लगता है कि आपके घर में हो रहा है कलेश, पति पत्नी के बीच में हमेशा मन मुटाव चल रहा है, तो आप कर सकते हैं ये उपाय। जी हाँ दोस्तों, इस उपाय के जरिए आप पति पत्नी के बीच में गहरा विश्वास, गहरा प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। पति पत्नी के बीच में कभी भी किसी भी प्रकार की नोकझोंक अगर होती है, वो नोकझोंक बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से वो झगड़े में तब्दील हो जाती है और कई दिनों तक वो आपस में बातचीत नहीं करते हैं। तो अगर आप इस तरह से झगड़े को खत्म करना चाहते हैं कि आपके घर में भी शांति आ जाए, अगर महिलाएं अपने पति के लिए इस उपाय को करती हैं जिससे कि उनके पति उनकी हर बात माने, या फिर उनकी आपस की जो प्रेम है या फिर आपस में जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो बन जाए, तो आप इस उपाय को जरूर करके देखिए। इसके लिए आपको चाहिए सिर्फ बरगद का पत्ता एक, और आपको चाहिए 7 इलायची। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे 7 इलायची ली है और एक बरगद का पत्ता लिया है। बस आपको इन्हीं 2 चीजों की जरूरत है और आपका ये उपाय हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आपको एक पेन की जरूरत होगी। पेन से आपको बरगद के पत्ते पर अपना नाम लिखना होगा और अपने पति का नाम लिखना होगा। तो सबसे पहले एक पत्ता ले लीजिए, उसे साफ कर लीजिए और उसके बाद उस पर लिखिए अपना नाम और उसके नीचे लिखिए अपने पति का नाम, या फिर अगर कोई पुरुष है जो इसे कर रहे हैं तो पहले अपना नाम लिखिए और उसके बाद अपनी पत्नी का नाम आपको लिखना होगा। इस तरह से आप किसी भी कलम से इस पर लिख लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है अपना नाम और अपने पति का नाम। उसके अलावा दोस्तों, नीचे आपको एक मंत्र का उपयोग करना होगा। मंत्र बेहद आसान है जो कि हम हमेशा वशीकरण के लिए उपयोग करते हैं। ये मंत्र है ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस तरह से आपको इस मंत्र को इस पर लिख देना है। और दोस्तों, इस पत्ते को आप देख सकते हैं, मैंने इस पत्ते के ऊपर इसको लिखा है इस तरह से। पहले आप अपना नाम लिखिए, अपने पति का नाम लिखिए और नीचे आपको ये मंत्र लिखना है। और इसे लिखने के बाद आपको क्या करना है दोस्तों, कि इलायची लेनी है अपने हाथ में। अपने उल्टे हाथ में इलायची को इस तरह से रख लीजिए, पूरब दिशा की तरफ मुख कर बैठ जाइए और इस पत्ते को अपने सामने रख लीजिए। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि बरगद के पेड़ को वट का वृक्ष भी कहा जाता है, जिसकी महिलाएं पूजा करती हैं। और आप सभी जानते होंगे कि हिंदू धर्म में वट सावित्री नाम का एक व्रत भी होता है, जिसकी वजह से औरतें अपने पति की लंबी उम्र की मनोकामना करती हैं। तो आपको भी इसी वट को, यानी वट के पेड़ को अपना साक्षी मानते हुए अपने पति के नाम से इस मंत्र का उच्चारण करना है। ओम कामदेवाय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको इस ये जो इलायची हमने ली है, इन 7 इलायचियों को इस पर रखते जाना है और इन पर फूंकना होगा। दोस्तों, फूंकने के बाद आपको क्या करना है कि ये सारी इलायची अपने हाथ में ले लेनी है और उसके बाद इस पर आपको एक इलायची रख देनी है और इसको मोड़ लेना है आपको। दोस्तों, इस तरह से इसे मोड़ लीजिए और जहां से आप इस पत्ते को लेकर आई थी, आप इसे वहीं पर ले जाकर उसी पेड़ के नीचे रख दीजिए। जी हाँ दोस्तों, वहां पर आपको इसे रख देना है और घर वापस आ जाना है। आपको ये उपाय बुधवार के दिन करना है, तो बुधवार के दिन आपको अपने पति को किसी भी तरह से इसमें से एक इलायची निकालकर चाय में या किसी भी खाने की चीज में मिलाकर खिला देनी है। और बाकी की जो 5 इलायची बचेंगी वो आपको 5 हफ्ते और हर बुधवार के दिन करना होगा। ध्यान रखें दोस्तों, इस उपाय को करते ही आपके पति से आपका रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। आपके पति आपकी हर बात मानेंगे। आप दोनों के बीच में अगर झगड़े होते हैं, किसी भी तरह का तनाव है या कलेश होता है, तो वो खत्म हो जाएगा। बस आपको ये पत्ता उसी पेड़ के नीचे रखना होगा जिस पेड़ से आप ये लेकर आए थे, और आपका ये उपाय जरूर काम करेगा। दोस्तों, इसे सच्चे मन से पूरे विश्वास के साथ जरूर करके देखें। कोई सवाल है, आप हमसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो में आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।